अजमेर की पार्श्वनाथ कॉलोनी वैशाली नगर की रहने वाली पूजा के FD खाते से अज्ञात बदमाशों ने 1,00,000 की धोखाधड़ी करते हुए चूना लगा दिया। इस मामले को लेकर पीड़िता द्वारा कृष्णगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। थाना प्रभारी रवीश कुमार ने बताया कि वैशाली नगर पार्श्वनाथ कॉलोनी की रहने वाली पूजा ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पास लगातार अज्ञात बदमाशों द्वारा लोन लेने को लेकर फोन आ रहा था, जिसे लेकर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अज्ञात बदमाशों द्वारा PNB अकाउंट में उनकी 1,00,000 की FD थी उसकी जानकारी लेते हुए उसके पैसे निकाल लिए। इस संबंध में उन्हें मैसेज आने पर इसकी जानकारी लगी, जिसे लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। वैशाली नगर की परिवादियाँ हैं जो थाना अजय पे आई हैं और उन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि मैं आज दिन के समय जब मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें मेरे अकाउंट से लगभग 1,00,000 रुपए कटने की मेरे पास मिली सूचना, जबकि ये 10 तारीख को मेरे अकाउंट से डेबिट हो गए थे। तो मैंने बैंक से पता किया कि आखिर मेरे पैसे कैसे हुए हैं, तो उनको पता लगा कि लोन अकाउंट से किसी ने इनके पैसे धोखाधड़ी करके निकाल लिए हैं। ये बता रही हैं कि 10-11 दिन पहले इनके पास कॉल आया था लोन लेने को लेकर के कि आप लोन ले लें, तो इन्होंने मना कर दिया था। उसके पश्चात लगातार इनके पास कॉल आई, इन्होंने उसको फ़ोन को कट कर दिया। उसके पश्चात लगातार इनके पास कॉल आते रहे, इन्होंने बताया कि मुझे लोन नहीं चाहिए। उसके पश्चात इनके पास एक मैसेज आया 10 तारीख को जिनमें इनमें बता रही हैं कि लगभग 1,00,000 रुपये मेरे लोन अकाउंट से डेबिट हो गए हैं। अब हमारे पास रिपोर्ट आई है, उसका हम मुकदमा दर्ज किया है, उसका अनुसंधान करें। ये PNB बैंक में था, पंजाब नेशनल बैंक है जो क्रिश्चियन।